हजरत बाबा सैयद साहब के सालाना उर्स शरीफ का आयोजन किया गया है। मंगलवार को परचम कुशाई से शुरू हुआ इस परचम कुशाई में प्रमुख रूप से सैयद बाबा पंच कमेटी के अध्यक्ष सिराज शेख, उपाध्यक्ष हाजी दाऊद शेख, अजनी पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे, पूर्व नगर सेवक विजय चूटले। इस परचम कुशाई में प्रमुख रूप से सैयद बाबा पंच कमेटी के अध्यक्ष सिराज शेख, उपाध्यक्ष हाजी दाऊद शेख, अजनी पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे, पूर्व नगर सेवक विजय चूटले, बीटीपी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर फैजान शेख, रियाज शेख, ताजाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान उपस्थित हुए। मंगलवार को ही शाही संदल का भी आयोजन किया गया था। 24 अक्टूबर को कुल शरीफ की फातिहा और लंगर के साथ किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजा बाग सवार बंजारी नगर मेडिकल कॉलेज के पीछे नागपुर में आयोजित किया गया है। हजरत बाबा सैयद साहब की दरगाह से निकलकर संदल शरीफ शहर का गश्त करता हुआ बंजारी नगर सैयद बाबा की दरगाह पहुंचा। बाद में सलात और सलाम का नजराना पेश किया गया। आप सभी जायरीन से गुजारिश है कि इस सालाना उर्स शरीफ में बड़ी संख्या में शिरकत करें। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन रत्नाकर मुलिक ने किया। ये अजनी पोलिशन के अंतर्गत बंजारी नगर दरगाह, जिसको बोलते हैं हजरत बाबा सैयद साहब का, ये दरगाह है। यहाँ पे उर्स मुबारक चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है। तो इस उर्स मुबारक के मौके पर मैं सभी जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं वो शांतिपूर्वक यहाँ आएंगे और दर्शन करेंगे और बाकी कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और यहाँ की जो कमेटी के लोग हैं वो भी अच्छे से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं खुद यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, बंदोबस्त के मेरे जो पुलिस डिपार्टमेंट का हमारा बंदोबस्त है उस लिहाज से भी मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ और सारा बंदोबस्त हमने डिप्लॉय कर रखा है और व्यवस्था भी अच्छी की है। तो सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक अपना अपना कार्यक्रम आयोजित करें। हजरत बाबा सैयद साहब का ये सालाना उर्स के मौके पे आज यहाँ हमें हमारे जो यहाँ के दरबार के अध्यक्ष सिराज भाई, इनके मार्फत यहाँ उपस्थित होने का हमें मौका जल्द प्रदान हुआ है। और जिस प्रकार से यहाँ पर हर साल उर्स के मौके पर जो सेवाएं यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में दी जाती है वो काफ़ी सराहनीय सब लोगों के लिए होती है। मैं इस मौके पर उपस्थित सभी को और सभी सैयद साहब के चाहने वालों को मैं इस उर्स मुबारक मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे जो अध्यक्ष साहब है इनकी तरफ से इस प्रकार के जनकल्याणकारी कार्य हमेशा चलते रहे, ऐसी सरकार से मैं दुआ मांगता हूँ उनके लिए। धन्यवाद। यहाँ के नागरिक से एक ही अपील है मेरी कि बहुत शांतिपूर्वक मनाएं। दीपावली का सीजन है हमारा, वैसा साउथ नागपुर में बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस उर्स के मौके पे ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस किसी को क्रिएट नहीं, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और सबकी ये दरगाह है, तो सब ने अपनी समझ के दरगाह को मानना चाहिए और कहीं पर भी कोई चिगड़ नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपील है। इस चलते उर्स के मौके पे हम यही गुजारिश करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सिराज भाई का शुक्रिया अदा करें, जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। उनको यही शुभकामना देते हैं कि आगे भी इस तरह का डेवलपमेंट करें और मेडिकल से लगी हुई ये जो जगह है यहाँ पर इस तरह से मेमार बनाए कि लोगों को ये लगे कि ताजाबाद, यानी ये जो राजा बाग शाह की जो दरगाह है, ये मेडिकल में आने वाले सारे मरीजों के लिए एक राह बने और एक रहमत बने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा सैयद साहब का उर्स सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज से आगाज़ हुआ है उर्स का। सभी जायरीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और शांतिपूर्वक, यहाँ का माहौल भी शांतिपूर्वक है, और शांति से आए, अपने ज्यारत करें और इस उर्स का लुत्फ़ उठाए, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत बाबा सैयद साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, राजा बाग सवार, इनके उर्स के मौके पर आप सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं। सरकार सैयद साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, कुछ लोग कहते हैं कि 200 साल पुराने हैं, कुछ लोग कहते हैं 250 साल, और कुछ कहते हैं कि 300 साल, मगर हम लोगों को ये पता चलता है कि सरकार ताजुल औलिया शहंशाह इफ्ते कलीम सैयदना हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान यहाँ आया करते थे। सरकार को बड़े भाई बोला करते थे, सरकार मिटानीम शरीफ और सरकार सैयद साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान को बोला करते थे कि सरकार ये तो हमारे बड़े भाई है जी। तो पता ये चलता है कि बाबा जान को जब 100 साल हो रहे हैं तो सरकार ताजुल औलिया से पहले सरकार सैयद साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान और सरकार सैयद जलालुद्दीन मिटानीम शरीफ, ये दोनों बहुत पुरानी नागपुर शहर के अंदर में पुरानी दरगाहें हैं, पुराने आस्थाने हैं।
और इनका इतिहास ये है कि यहाँ पर कवीटों के झाड़, इमलियों के झाड़ बहुत हुआ करते थे। मेडिकल में आने वाले पेशेंट और बेसहारा लोगों का ये परिसर सहारा हुआ करता था। सरकार सैयद साहब अल रहमत रिजवान के ये फ्यूज़ बरकत है कि आपके आस्थाने पर जो भी शख्स पैर से अपाहिज, माँ के पेट से अपाहिज और पैरों की न्यास चढ़ाई जाती है, यहाँ यहाँ लकवा और पैरालाइसिस और बड़े बड़े पैरों की बीमारियों के बीमारियों का फैज़ मिलता है। सरकार सैयद साहब अल रहमत रिजवान के आस्थाने पर बिलखसूस हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग आते हैं और अपने मुरादे पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से और इनके वसीले से उन लोगों की सारी मुरादें पूरी करता है। आप सभी लोगों को सरकार सैयद साहब अल रहमत रिजवान का उर्स तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। मैं सबसे पहले यहाँ के जो अध्यक्ष सिराज भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही जो दाऊद भाई शेख है जो उपाध्यक्ष है उनको उर्स की और यहाँ पे जितने भी आने वाले जो जायरीन हैं उनको मेरे तरफ से हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहर के साथ अभिषेक मानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।